उन्होंने पहले बाढ़ग्रस्त इलाके का स्टीमर से जायजा लिया। वहीं जयसिंहपुरा इलाके में बनी बस्तियों में भी डीएम और एसडीएम सहित नगर आयुक्त के साथ गलियों में जाकर लोगों से अपील की कि जहां पर भी वहां से राहत कैंप चले जाए, क्योंकि अभी तक खतरा टला नहीं है और आगे यानी दिल्ली के येल्लो जोन या इशारा मिल चुका है, क्योंकि अभी भी लोग बाढ़ के इलाके में काफी संख्या में अपने अपने घरों में छतों पर बैठे हैं, जो कि अपनी ओर से अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं संदीप सिंह ने स्टीमर में बैठकर यमुना के पानी का दौरा किया। देखिए, काफी ज्यादा रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों तक पानी आ गया है और पानी अभी बढ़ने की भी आशंका है। अभी खतरा टला नहीं है और भी पीछे से, क्योंकि येलो अलर्ट जारी किया जा चुका और पानी बढ़ सकता है। हम सब लोगों ने जाकर के देखा, जितना भी रिहायशी इलाका प्रभावित है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के घरों तक पानी आ गया है और लोगों को निकालने का भी काम सरकार के द्वारा, एनडीआरएफ की टीम के द्वारा सभी लोग लगे हुए हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी भी मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं है और जो जिद करके अपने घरों पर रुके हुए हैं। मेरा ऐसे सभी लोगों से अनुरोध है कि अभी खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और अपने घरों पर रुके रहने से आप अपनी जान को किसी तरह का खतरा हो जाए, सभी लोग अपने स्थानों को, घरों को छोड़ करके सरकार के द्वारा जो भी आश्रय स्थल बनाए गए हैं उन सभी स्थलों को लें, वहाँ पर जा करके अभी सब लोग रहें।